हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ए ग्रेड स्टडी। लास्ट दो लेक्चर में अपन ने फलन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं संयुक्त फलन, कॉम्पोजिट फंक्शन। तो चलिए, पहले अपन ने देखा था कि क्या किया था कि फलन में क्या था, जैसे एक मशीन टाइप थी, जैसे एक मशीन ने अपन ने इनपुट दिया, आउटपुट मिल गया, ठीक है। अब कॉम्पोजिट फंक्शन में क्या होगा, एक मशीन से जैसे ही आउटपुट मिला, इनपुट दिया, आउटपुट दिया, उस वाले आउटपुट को एक और दूसरी मशीन में दे देंगे अपन, और उससे जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो कहलाएगा अपना संयुक्त फलन। चलिए समझते हैं, लेट कर लो। मैं दो फलन डिफाइन करता हूँ। पहला फंक्शन है एफ, डिफाइन है लेट कर लो ए से बी में, और दूसरा फलन मैंने लिया जी है, वो डिफाइन है बी से सी में, ठीक है। इस टाइप से कि ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये सेट सी है, ठीक है। तो यहां से अपने को पता है ये वाला डिफाइन है, ये क्या है, ए से बी में कौन सा फलन डिफाइन है, एफ, और बी से सी में जी फलन डिफाइन है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, लेट कर लो, मैंने यहां से एक इनपुट लिया इस वाले ए से, और इसको किस में डाल दिया, सीधा सीधा बी में। तो ये क्या मिलेगा अपने को, एफ में इनपुट मिल गया एक्स का, तो क्या बन गया एफ एक्स। और अब यहां से मैं एक इनपुट उठाता हूं उसको यहां पे, मतलब क्या हुआ कि यहां से देखो एक्स इनपुट लिया, फलन में लिया, एफ एक्स बन गया। अब इस पूरे फलन को एज ए इनपुट में दूसरे वाले फंक्शन में दूंगा, तो क्या बन जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से देखें डायरेक्टली, तो ये जो फंक्शन आपने को दिखाई दिया ये क्या है, जी ऑफ एफ ये फलन है अपना, ठीक है। तो इसमें क्या अपन इसको संयुक्त फलन कैसे डिफाइन करेंगे, कि ए से बी में डिफाइन है, तथा जी क्या है, बी से डी, बी से सी में, यहां से दिखाई दे रहा है ये ए सेट है, ये बी सेट है, यहां से ये, यहां से ये, तो फाइनली ए से जो सी में जो फलन डिफाइन होगा वो क्या कहलाएगा, संयुक्त फलन। तो उसको क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ, ठीक है, जी ऑफ एफ, जो कहां से कहां डिफाइन होगा, यहां पे ध्यान दो, ए से इनपुट लिया बी में गया, बी से इनपुट लिया वापस सी में आउटपुट निकला, तो कहां से कहां डिफाइन हुआ, ए से लगा के, इनपुट तो कहां से ले रहा है, ए से ही ले रहा है, तो ए से लगा के आउटपुट कहां पे मिला, सी में, तो ए से सी में, ये क्या कहलाता है, संयुक्त फलन। यहाँ पे अपन उसकी कुछ कंडीशन देखेंगे, बेसिक कंडीशन क्या जरूरी है। तो अपन यहां से देख रहे कि ए से बी में जैसे ही इसका आउटपुट, ध्यान दो, पहले वाले फंक्शन का आउटपुट मतलब परिसर इस वाले फंक्शन का, दूसरे वाले जी वाले फंक्शन का इनपुट के बराबर होना चाहिए, ऐसा जरूरी है। क्यों, इसको इस कंसेप्ट से समझ सकते हैं कि जब भी अपने पास इस टाइप से, ये क्या डोमेन है और ये कोडोमेन है, तो अपने को पता है ये तीन एलिमेंट है इसमें, तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट किसी न किसी इस एलिमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ये एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। क्यों, ऐसा होता है तो वो फलन नहीं होता है। तो ठीक ऐसा ही केस है, जैसे अगर इसका, इस फलन का आउटपुट, पहले वाले फलन का आउटपुट मतलब परिसर, अगर इसके, इस वाले जी के फलन के इनपुट मतलब प्रांत से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ एलिमेंट इसमें क्या रह जाएंगे, फ्री रह जाएंगे। तो इसीलिए अपन इसकी आवश्यक कंडीशन में क्या लिखते हैं, कि जो जी का, जो एफ का जो परिसर है, इसकी जो आवश्यक शर्त है कि कब अपना जी ऑफ एफ एक्स डिफाइन होगा, तो क्या कंडीशन है, एफ का परिसर, ठीक है, एफ का परिसर जी के प्रांत का उपसमुच्चय, जी के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए, ये इसकी बेसिक कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। मतलब इसका आउटपुट इसके इनपुट का सबसेट होना चाहिए। क्या ये सब कुछ जरूरी है, ये तो अपन देख ले सब जगह ये लिख लो, परंतु ऐसा जरूरी नहीं है।
पूरे फलन के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कुछ एलिमेंट के लिए गॉफ ऑफ एक्स जी ऑफ एफ एक्स डिफाइन हो सकता है। कैसे? लेट कर लो कि ये ए है, ये बी है, ठीक है, और बी और ये मैं ले लेता हूं सी। ये क्या ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये क्या डी है, तो मैं डिफाइन करता हूं, लेट कर लो यहां से एफ दे रखा मुझे ए से बी में और जी दे रखा मुझे सी से डी में। तो यहां से दिखाई दे रहा है कि इसका जो आउटपुट है और इसका जो इनपुट है, मतलब इसका परिसर और जी का प्रांत, दोनों सेम दिखाई नहीं दे रहे, परंतु यहां पे कुछ चीज कॉमन है, कुछ पोर्शन क्या है बी और सी का, मतलब एफ के परिसर का और जी के प्रांत का कुछ पोर्शन क्या है कॉमन है। तो इस कॉमन पोर्शन में आपका ए से डी में जी ऑफ एफ एक्स डिफाइन हो सकता है, ठीक है। कैसे? लेट कर लो इसका, इनके कुछ न कुछ आउटपुट है, लेट को ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ और ये आपस में यहां से जुड़े हुए, ठीक है, ये ऐसे जुड़े हुए, तो इन आउटपुट यहां से इसके लिए, तो ये जो कॉमन पोर्शन में जो भी इसका जो आउटपुट इसका जो इनपुट है इनके लिए गॉफ ऑफ परिभाषित होगा, परंतु कैसे परिभाषित होगा, लेट कर लो इसमें एक और एलिमेंट है जो यहां से जुड़ा हुआ है इसमें कॉमन पोर्शन है, तो आपको पता है इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका आउटपुट यहां पे नहीं आ सकता। तो आपको पता है इस वाले एलिमेंट के लिए ए से डी में जी ऑफ एफ एक्स डिफाइन नहीं होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि कुछ एलिमेंट ए ये वाले जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इनको अगर मैं इसका पी ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, पी ले लेता हूं सबसेट, यहां पे क्या ले लिया मैंने, पी ले लिया जो कि सबसेट है किसका ए का, जिसमें पी में कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ वही एलिमेंट है जो इससे कनेक्टेड है या इसमें कॉमन है, और डी एक क्यू और सबसेट एक फलन ले जो सबसेट है डी का, इसमें सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट है जो इस वाले जो कॉमन पोर्शन से जुड़े हुए, ठीक है, इनका प्रतिबिंब ये वाले है। तो मैं ये कहूंगा इस केस के लिए जो गॉफ जी ऑफ एफ जो फलन पर संयुक्त फलन जो डिफाइन होगा वो कहां से कहां तक होगा, पी से क्यू में, जहां पे पी क्या है, पी है सबसेट ऑफ ए तथा क्यू क्या है, क्यू है सबसेट ऑफ डी, ठीक है, यहां तक आपने क्लियर हो गया। इस वाले फंक्शन देखो डिफरेंस क्या है, ये प्रत्येक वैल्यू के लिए किसकी, ठीक है, इस वाले की, इस वाले ए इनपुट के लिए प्रत्येक कोई भी आप एलिमेंट ले लो उसके लिए क्या है, जो जी ऑफ एफ है वो डिफाइन है, परंतु इस केस में क्या फर्क है, इसमें प्रत्येक वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है, कुछ सिलेक्टेड वैल्यू है जो इसमें इस वाले सेट में है, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जी ऑफ एफ डिफाइन है, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई हुई, चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अपन या कुछ एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि क्या है। चलिए पहला एग्जांपल ले रहा हूं, लेट कर लो एफ आर से R में डिफाइन है और मैं ले लेता हूँ F। दो फंक्शन लेके अपन इसको समझते हैं कि किस टाइप से g ऑफ एफ एक्स और f ऑफ जी एक्स कैसे डिफाइन होता है वो अपन देखते हैं। तो ये लेट कर लो साइन x है और दूसरा फंक्शन मैंने ले लिया f डिफाइन है R से R में बराबर एफ एक्स, सॉरी ये g ले लिया और जी एक्स मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये दो अपने पास फंक्शन आ गए जी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपको पहले तो देखना है कि क्या इसमें जी ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ एफ एक्स डिफाइन होंगे, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि आप ये निकाल के बताइए गॉफ एवं एफ ऑफ जी एवं जी ऑफ एफ, ये दोनों फंक्शन आप निकाल के बताइए f ऑफ g एवं g ऑफ f, ठीक है। तो अब इसको अपने पहले देखना पड़ेगा क्या ये दोनों डिफाइन है या नहीं है। तो यहाँ पे सब कुछ ही अपने को r टू r में दे रखा है, तो चाहे इसको इसमें इनपुट डालो चाहे इसको इसमें इनपुट डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, जैसे कि f ऑफ g की बात करेंगे तो यहाँ से g से इनपुट लेगा, f से आउटपुट लेगा, g से इनपुट का मतलब क्या हुआ r से इनपुट लेगा और इसका आउटपुट क्या है r, तो ये इसका क्या होना चाहिए, इसका परिसर, इसका
परिसर, इसका प्रांत होना चाहिए, दिख रहा है। इसके लिए देखेंगे तो ये क्या है, एफ से इनपुट लेगा, तो एफ का इनपुट क्या है आर, और इसका जो परिसर है क्या है आर, जी का प्रांत होना चाहिए, तो जी का प्रांत आर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो रही है कि ये दोनों डिफाइन तो होंगे, तो चलिए निकाल के देखते हैं। तो एफ ऑफ जी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ के अंदर अपन ने क्या दिया इनपुट में, जी एक्स दे दिया, ठीक है। एफ के अंदर ये जो फंक्शन है एफ है, इसमें इनपुट में क्या है, जी एक्स, पूरा फलन इनपुट में है। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है जी एक्स इसके बराबर है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जब एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अपने पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। अब अपन क्या निकालेंगे, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, जी इस फंक्शन में एफ एक्स फलन को इनपुट दिया है, तो क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स। और आपको पता है जी एफ एक्स क्या दे रखा है, देखो एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स, तो जी ऑफ साइन एक्स। देखो जब जी में जी एक्स क्या, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इनपुट है, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स इनपुट होगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या हो गया, जी ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स भी अपन ने निकाल लिया और जी ऑफ एफ एक्स भी अपने निकाल लिया। अब यहां से देखते हैं क्या ये दोनों फंक्शन बराबर है, ये क्या है साइन एक्स स्क्वायर और ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स है, ये फंक्शन आपस में बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग फलन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से अपन ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी बराबर नहीं है जी ऑफ एफ, कभी पूछ ले क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया एक एग्जांपल, चलिए एक एग्जांपल और लिखता हूं जो आप ये दोनों देख बना के बताइए और साथ में वो भी बताइए क्या इसका जो डिफाइन अपन ने डिफाइन किया एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ, क्या ये दोनों तुल्य फलन है या नहीं है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल लिख के दे देता हूं, लेट करो एफ एक्स है वो क्या है रूट एक्स है, एफ एक्स क्या है रूट एक्स है, और जी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, जी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर। तो आपको बताना है कि क्या इसका जो निकलेगा एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, या एफ ऑफ जी एवं जी ऑफ एफ, ये दोनों फंक्शन बनेंगे, क्या ये दोनों तुल्य फलन है या नहीं है। नीचे कमेंट करके आप वीडियो में बताइए क्या इस वाले एग्जांपल के लिए क्या इसका जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी दोनों फंक्शन जो डिफाइन है और जो है या नहीं है, या फिर है तो किस वाले इंटरवल में, और है भी तो क्या ये दोनों आपस में जब आउटपुट में जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप ये बताइए कि दोनों फंक्शन आपस में तुल्य फलन है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट अपन इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो ये जो संयुक्त फलन है ये कर्म विनिमय का गुणधर्म पालन करे ये आवश्यक नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि कर्म विनिमय करेगा करेगा, हो सकता है कुछ केसेस में कर ले कुछ में ना करे, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है आवश्यक नहीं है कि वो क्या है कर्म विनिमय, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या लिखेंगे, अपने को दोनों फंक्शन दे रखे होंगे तो उसका अपन दोनों निकालेंगे, कैसे, दो फंक्शन है, एक तो एफ है और जी है, एक बार एफ में जी का इनपुट दो, दूसरी बार जी में एफ का इनपुट दो, तो क्या बनेगा, एक तो एफ ऑफ जी बनेगा, दूसरा जी ऑफ एफ बनेगा। तो उनका जरूरी नहीं है कि वो दोनों आपस में बराबर हो, इसका मतलब क्या हुआ, कर्म विनयता का पालन करना आवश्यक नहीं है, हो सकता है किसी केस में बराबर हो भी जाए, ठीक है, वो भी अपन देखेंगे। तो क्या लिखेंगे अपन, फलन संयुक्त फलन द्वारा संयुक्त फलन द्वारा कर्म विनिमयता गुणधर्म का पालन करना आवश्यक नहीं है,
कैसे लेट कर लो एफ है मेरा फंक्शन डिफाइन है ठीक है ए से बी में ए से बी में और जी फंक्शन है वो डिफाइन है बी से सी में तो यहां से जी ऑफ एफ क्या जी ऑफ एफ डिफाइन होगा क्यों क्योंकि एफ का परिसर यहां से क्या देखेंगे एफ का परिसर और जी का प्रांत एफ का परिसर और जी का प्रांत क्या बराबर है या इसका ये कह सकते हैं कि एफ का परिसर क्या जी के प्रांत का उपसमुच्चय है तो यहां से देखेंगे जी का एफ का परिसर क्या है बी है क्या ये इसके प्रांत का उपसमुच्चय है बराबर है ठीक है ये दोनों यहाँ पे क्या है बराबर है तो ये कह सकते हैं ये तो क्या होगा डिफाइन होगा और कहां से कहां के बीच में डिफाइन होगा एफ से इनपुट लेगा मतलब ए से और जी से आउटपुट देगा मतलब सी दे देगा ठीक है ये तो डिफाइन है अगर अपन बात करते हैं एफ ऑफ जी तो यहां पे देखेंगे जी का परिसर क्या है यहाँ पे सी जी का परिसर क्या है यहाँ पे सी जी का परिसर एफ का प्रांत के बराबर होना चाहिए या उसका उपसमुच्चय होना चाहिए यहाँ पे एफ का प्रांत क्या है ए क्या ये इसका सबसेट है नहीं है तो ये यहाँ पे विद्यमान ही नहीं है तो जरूरी नहीं है कि ये क्रम विन्यद्वत्त का पालन करे हो सकता है जैसे दो फंक्शन दे R से R ये भी R से R तो चाहे F में G दे दो चाहे G में F दे दो अर्थात G ऑफ F या फिर F ऑफ G दोनों ही डिफाइन हो जाएंगे ठीक है तो चलिए ये पहली प्रॉपर्टी थी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे क्या कहते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये जो साचर्य नियम है उसका जरूर पालन करते हैं साचर्य नियम का मतलब क्या होता है अपन उसको जब भी जैसे कि नंबर लेते हैं जैसे मोर देन टू वर्ड्स है टू नंबर दे रखे हैं उनको सॉल्व करने का जो तरीका है जैसे मैं ये कहूँ टू प्लस फाइव प्लस थ्री इसमें मैं पहले क्या कर लेता हूँ ये दोनों सॉल्व कर लेता हूँ उसके बाद इसमें ऐड कर लेता हूँ या फिर मैं क्या कर लेता हूँ 2 + 5 को पहले सॉल्व कर देता हूँ फिर 3 को सॉल्व कर देता हूँ तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये भी कितना हो जाएगा 8 और 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा ये आपस में क्या है बराबर है या नहीं तो ठीक इसी टाइप से ये भी जो संयुक्त फलन है ये किसका पालन करते हैं साचर्य नियम का पालन करते हैं तो इसको अपन पूरा डेराइव करके देखते हैं इस पे थ्योरम भी है तो उसको भी अपन देखते हैं पहले थ्योरम लिखते हैं उसके बाद इसको डेराइव करते हैं चलिए क्या कहती है प्रमेय प्रमेय देख लेते हैं अपने यदि तीन फलन एफ जी एच इस प्रकार है कि एफ ऑफ जी ओ एच और ठीक है एफ ऑफ ये परिभाषित होना चाहिए इस टाइप से मैंने पहले क्या कर दिया पहले इन दोनों को सॉल्व कर दिया फिर इसको इसका इनपुट दिया इसमें क्या कर दिया पहले इन दोनों को सॉल्व करके इनपुट देके अलग से फलन बना दिया और फिर इसका इसमें इनपुट दिया परिभाषित है क्या है परिभाषित है तो परमेय ये कहती है कि एफ ऑफ जी ऑफ एच बराबर होगा एफ ऑफ जी ऑफ एच ठीक है बराबर मतलब इक्वल फंक्शन और ठीक है ये अपने को प्रूव करना है ठीक है अब अपने को पता है इक्वल फंक्शन की क्या कंडीशन होती है तीन कंडीशन अपन ने पढ़ी थी पहली क्या थी कि प्रांत बराबर होने चाहिए
दूसरी कंडीशन क्या पड़ी थी, सहप्रांत बराबर होने चाहिए, और तीसरी कंडीशन क्या पड़ी थी कि दोनों फलन आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए सभी इनपुट के लिए या डोमेन के लिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो अपन कह सकते हैं कि वो फलन क्या है, इक्वल फलन है। ठीक है, तो यहाँ पे दो फलन दे रखे हैं, अब ठीक है थ्योरम कहते हैं ये इक्वल फलन होंगे बराबर या फिर तुल्य फलन होंगे, तो अपन इसको डेराइव करके देखते हैं क्या ये तुल्य फलन है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले अपन इनको इनका देखते हैं क्या रेंज क्या रही, कहां से कहां के बीच में डिफाइन होंगे, तो प्रूफ देखते हैं। ठीक है, मैं मान के चलता हूं, लेट कर लो, एक मैं फंक्शन ले लेता हूं एच जो कि डिफाइन है ए से बी में, दूसरा फंक्शन है जी जो बी से सी में, और एफ है वो सी से डी में, इस टाइप से डिफाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इनकी जो ये वाला दे रखा है वो कहां से कहां पे डिफाइन होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एच। ठीक है, तो देखो ये क्या करेगा, एच से इनपुट लेगा। ठीक है, एच का इनपुट यहां से कहां से आएगा, ए से, एच से इनपुट लिया और इसमें आउटपुट, ठीक है आउटपुट होगा ये वाला। ठीक है, तो ये क्या हो गया B, आउटपुट क्या होगा B, B इसके लिए क्या होगा इनपुट। तो आपको पता है H का परिसर और B का प्रांत क्या बराबर है या उपसमुच्चय है, बिल्कुल है, क्यों B और B बराबर है, तो ये वापस यहाँ पे बराबर है, इसका मतलब इसका जो आउटपुट होगा वो इसका इनपुट हो गया, फिर इससे जो आउटपुट मिलेगा वो कहाँ जाएगा एफ में, क्या ये और ये आपस में बराबर है, तो फाइनली अपने को आउटपुट में क्या मिल जाएगा डी मिल जाएगा। तो ये कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, ए से डी में। ठीक है, ऐसे कैसे, ये भी सेम है, ये भी और ये भी कहां से है, अगर मैं इसकी बात करूं एफ ऑफ जी ऑफ एच, चलिए तो यहां से देखो वापस वही चीज है, यहां से एच से इनपुट लेके एफ में आउटपुट दे देगा, तो ये भी कहां से कहां पे डिफाइन होगा, ए से डी में डिफाइन होगा। ठीक है, तो यहां से दो चीज क्लियर होगी कि इसका प्रांत इसके प्रांत के बराबर है, इसका सहप्रांत इसके सहप्रांत के बराबर है। अब अपने को क्या सिद्ध करना है, अपने को यह सिद्ध करना है कि एफ ऑफ जी ऑफ एच बराबर है एफ ऑफ जी ऑफ एच, ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए इसको करके देखते हैं। मैंने क्या कर दिया, एक एलिमेंट ले लिया एक्स जो बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक है, एक एलिमेंट ले लिया वाई जो बिलोंग कर रहा है बी से, और जेड एलिमेंट ले लिया जो बिलोंग करता है सी से। तो आप ध्यान दीजिए एक्स है वो यहां से इनपुट है, ठीक है, तो एक्स में एक्स इनपुट देता हूं तो क्या मिलेगा बी, और अपने पता बी यहां से देखो बी किससे बिलोंग करता है वाई से, तो ये क्या हो गया वाई, मतलब जैसे एक्स एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, तो ए से इनपुट लेगा और बी में आउटपुट देगा, बी में क्या बिलोंग कर रहा है वाई से, तो ठीक इसी प्रकार से मैं अगर ये लिखता हूँ जी में मैं क्या इनपुट दूंगा बी मतलब वाई, तो मुझे क्या मिल जाएगा जेड सी मिलेगा। ठीक है, और सी से मैंने क्या एलिमेंट ले लिया जेड ले लिया, तो ये स्टेप्स होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एफ ऑफ जी ऑफ एच इसको क्या लिख सकते हैं, ये पूरे का पहले ये वाला ऑफ को पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ये पूरा का पूरा क्या इनपुट है या नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एच, या फिर इसको मैं एक्स इनपुट के लिए सॉल्व कर लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो यहां से मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये इसको देखो इसको खोलेंगे तो क्या लिखेंगे जी ऑफ एच एक्स। ठीक है, और अपने को पता है एच एक्स किसके बराबर है y के, तो यहां से क्या हो गया एफ ऑफ जी ऑफ y हो गया, और g ऑफ y किसके बराबर z, तो ये फाइनली अपने को क्या मिल गया एफ जेड मिल गया। ठीक है, ये वाला हो गया। अब अपन किसको, इस वाले को दूसरे वाले को देखते हैं, ये क्या है f ऑफ g ऑफ एच, पहले फिर ऑफ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ जी, अब इसको लेट कर लो एक्स के लिए सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ये हट जाएगा और क्या बन जाएगा अपने को एच ऑफ एक्स, तो अपने को पता है एच एक्स इसके बराबर है वाई के बराबर है, तो ये क्या हो गया एफ ऑफ जी ऑफ वाई, अब इसको सॉल्व करेंगे ऑफ के लिए क्या हो जाएगा एफ ऑफ जी वाई। ठीक है, तो यहां से जी वाई किसके बराबर है
यहाँ से जी वाई जेड के बराबर है, तो एफ ऑफ जेड। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों फंक्शन भी आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एच इक्वल होगा एफ ऑफ जी ऑफ एच, ठीक है। तो इस टाइप से अपन क्या कहते हैं, ये वाले जो साचर्य नियम का पालन करते हैं, इसको ग्राफिकल समझते हैं अपन कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं ये वाला क्या है, आपने को ए दे रखा है, सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है, ये सेट डी है, ठीक है। और अपने को और क्या क्या दे रखा है, देखो यहां से ए से जो बी में डिफाइन है, ए से जो बी में डिफाइन है वो कौन सा फंक्शन है, एच है, ठीक है। ऐसे कैसे बी से सी में कौन सा फंक्शन डिफाइन है, बी से सी में जी है, ठीक है। ऐसे कैसे सी से डी में कौन सा फंक्शन डिफाइन है, सी से डी में एफ है, ठीक है। अब लेट कर लो मैं कोई भी फंक्शन इसको कंबाइन करता हूं, मैं यहां से ये एच है तो यहां पे जान दो, मैंने कहां से कहां डिफाइन कर दिया, यहां से यहां, इसका मतलब मुझे यहां से यहां जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, G के अंदर H को इनपुट देना पड़ेगा, नहीं करे यहां के यहां जाने का क्या तरीका, यहां से यहां जाऊं, यहां से यहां जाऊं, इसका मतलब कैसे हुआ, जैसे ही इसका आउटपुट निकला इसके लिए इनपुट बना है नहीं बना, तो ये देखो यहां पे क्या बन गया, ये बन गया, अगर यहां से मैं ये एक्स मानता हूं, ये एक्स है, तो जैसे ही इसका इनपुट एच का इनपुट लेके ये क्या बन जाएगा, एच एक्स, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से जैसे ये वाला इनपुट लिया इसमें आउटपुट दे दिया, अब ये वाला आउटपुट इसके लिए क्या होगा, इनपुट, इसका मतलब जी में अपने को इनपुट क्या देना पड़ेगा, एच, तो ये क्या बन गया, जी ऑफ एच। ऐसे ऐसे अगर मुझे इस वाले से बी से डी में जाना है, बी से डी में जाना है तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, तो यहां से मैं यहां से यहां जाऊंगा, इसका मतलब एफ में मुझे क्या इनपुट देना पड़ेगा, जी, तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ जी, ये दो फंक्शन डिफाइन होंगे। अब यहां से अगर थर्ड पार्टी मुझे जाना है, यहां से सीधा जाना है ए से डी, तो मैं यहां से ये इस टाइप से जाना है ए टू डी, तो यहां दो रास्ते हैं, कैसे, एक यहां से होते हुए यहां जाऊं, ठीक है, यहां से होते हुए यहां जाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये फंक्शन क्या है, जी ऑफ एच, इस पूरे के पूरे आउटपुट को इसमें इनपुट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, इसका मतलब एफ में इनपुट देना पड़ेगा जी ऑफ एच, तो क्या लिखेंगे, एफ इसके अंदर इनपुट देना पड़ेगा जी ऑफ एच। या दूसरा तरीका क्या है, मैं पहले यहां से यहां जाऊं फिर यहां से यहां, ठीक है, तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहां से यहां जाऊं फिर यहां, इसका मतलब इस वाले के अंदर ये वाला फंक्शन इनपुट में आएगा नहीं आएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ जी के अंदर, ये वाला देखो एफ ऑफ जी के अंदर मुझे क्या इनपुट देना है, एच इनपुट देना है, तो क्या लिखूंगा, एफ ऑफ जी इनपुट में एच। तो यहां से भी आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों को दोनों फंक्शन है वो यहाँ पे बराबर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अपन ने मैथमेटिकली समझ दिया, एफ ऑफ जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच, और इसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एच इक्वल होगा एफ ऑफ जी ऑफ एच, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ये कह सकते हैं कि ये किसका साचर्य नियम का पालन करता है, ठीक है, ये हो गई प्रमेय 1.1। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं प्रमेय 1.2। ये क्या कहती है, कि अपने पास दो फलन है एफ एवं जी, एफ एवं जी दोनों कैसे हैं, एक एक की एवं अच्छा देख फलन है, एक एक की एवं आच्छादक, फलन इस प्रकार है कि जी ऑफ एफ परिभाषित है, जी ऑफ एफ परिभाषित है तो G ऑफ F भी एक एक की एवं आच्छादक फलन होगा,
चलिए ये थ्योरम ये कह रही है कि क्या है, एफ और जी दो एक एक आच्छादक फलन है तो, और इस प्रकार है कि इनका जी ऑफ एफ एक्स डिफाइन है, तो ये कह रही थ्योरम कह रही है कि इसका जो जी ऑफ एफ है वो भी एक एक आच्छादक फलन होगा। तो अपने को ये सिद्ध करना है कि इसका जो जी ऑफ एफ है वो क्या एक एक आच्छादक है। तो अपन ने डायरेक्ट करना सीखा था कि कैसे अपन इसको एक एक आच्छादक, लास्ट वाले वीडियो में अपन ने देखा किसी भी फंक्शन को कैसे प्रूव करते हैं एक एक आच्छादक ये वाला अपन ने देखा था। तो ठीक उसी प्रोसेस को यूज करते हुए अपन जी ऑफ एफ को क्या प्रूव करेंगे एक एक आच्छादक। तो सबसे पहले क्या करते हैं एक एक प्रूव करते हैं। तो मैंने बताया था देखो उस टाइम क्या दिया था कि एक एक प्रूव करने के लिए क्या कर दिया था मैंने, x1 और x2 दो एलिमेंट लिए थे ठीक है, और उसमें क्या किया था मैंने fx1 को fx2 के बराबर लेके चला था और लास्ट में सॉल्व करने के बाद x1 और x2 बराबर आ जाते हैं तो वो क्या है एक एक ही है, और नहीं आते तो वो बहु एक एक है। तो यही अपन यहाँ पे करेंगे ठीक है। तो लेट कर लो मैं मान के चलता हूँ एफ डिफाइन है वो ए से बी में डिफाइन है और जी है वो बी से सी में डिफाइन है ठीक है। तो इसका जी ऑफ एफ ठीक है ये कहां से कहां डिफाइन हो जाएगा, देखो एफ से इनपुट लेगा जी में देगा ठीक है, तो इसका मतलब ए से लेगा और आउटपुट जी से मिलेगा तो क्या मिल जाएगा सी, जी से सी। अब यहां से ये भी दिखाई दे रहा है कि एफ का प्रांत, एफ का सब प्रांत और जी का प्रांत ये वाला क्या बराबर, ये वाला सॉरी एफ का परिसर इसका मतलब एफ का आउटपुट और जी का इनपुट क्या बराबर है, बिल्कुल बराबर है। क्यों, इसका आउटपुट क्या बी और जी का इनपुट क्या बी, तो ये दोनों आपस में बराबर या सबसेट कह सकते हैं। तो इसका मतलब जी ऑफ एफ है वो डिफाइन है। तो अब अपने को जी ऑफ एफ को क्या प्रूव करना है, पहले एक एक ही सिद्ध करते हैं। तो एक एक ही सिद्ध करने के लिए मैं क्या करूंगा यही वाला फंडा यूज करूंगा, दो इनपुट के एलिमेंट लूंगा। तो यहाँ पे इनपुट क्या है ए, वहां पे अपन ने देखो क्या लिया था डोमेन से लिया, नहीं लिया था एक्स ये वाला डोमेन से लिया था, तो यहाँ पे डोमेन क्या है ए है। तो मैं ए का मतलब क्या हो, मैं लेट कर लो दो एलिमेंट ले लेता हूँ ए वन और ए टू बिलोंग्स टू ए ठीक है, यहां से मैंने ले लिया। तो अब मैं क्या करता हूँ सेम फंडा यूज कर रहे हैं, इन दोनों के ऊपर आउटपुट मिलेगा उसको मैं बराबर से ले लेता हूँ। तो क्या कहूंगा जी ऑफ एफ ए वन बराबर है जी ऑफ एफ ए टू, ये दोनों मैंने क्या इन दोनों पे आउटपुट मैंने बराबर ले दिया। अब आउटपुट को बराबर लेके इनपुट में देखते थे अगर वो दोनों बराबर आ जाते हैं तो एक एक ही, तो यहां से अपन देखेंगे अगर ए वन और ए टू आपस में बराबर आ जाएंगे तो एक एक ही, तो ना बहु एक एक ही या वन वन और मैनी वन। तो देखते हैं चलिए अब इसको खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, जी ऑफ एफ ए वन इज इक्वल टू इसको खोलेंगे तो क्या करेंगे जी ऑफ एफ ए टू, यहां तक ठीक है। अब यहां पे देखो अपने को दो चीज दे रखी है जी और एफ भी क्या है एक एक ही फलन है, तो इसका मतलब क्या है एफ ये वाला ये जी है। अब जी का पूरा इनपुट ये है क्या, ये पूरा का पूरा क्या इनपुट है, और अपने को पता है जी कैसा फंक्शन है एक एक ही फंक्शन है, तो एक एक ही है तो अपन क्या करते हैं एक एक ही होता है, तो ये कंडीशन होती है इसका आउटपुट अपन बराबर करते हैं तो इनपुट आपस में बराबर होता है नहीं होता है, इसका मतलब ये जो इस जी को दिया हुआ ये और ये आपस में बराबर होगा नहीं होगा, अर्थात अपन ये कहेंगे एफ ए वन बराबर होगा एफ ए टू, क्यों, क्योंकि जी एक एक ही फलन है या नहीं, एक एक फलन के यही कंडीशन होती है। ठीक ऐसे कैसे अब ये दोनों f के आउटपुट ठीक है फंक्शन fx1 और fx2 इसका मतलब क्या ये दोनों आपस में बराबर है तो इसके इनपुट भी बराबर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्यों, क्योंकि ये क्या एक एक ही फलन है, इसका उल्टा भी तो जरूरी है, ये एक एक ही है तो इसका मतलब ये कंडीशन आती थी ठीक है। तो ऑलरेडी अपने को दे रखा है कि एफ कैसा है एक एक ही फलन है तो ये कंडीशन आनी चाहिए, इसका मतलब यहां से क्या आ गया ए वन बराबर ए टू, यहां पे क्या लिखेंगे एफ बी एक एक ही फलन है ठीक है, एफ भी क्या है एक एक ही फलन है। तो यहां से अपन ने देख लिया कि अपन ने आउटपुट को बराबर लेके चले थे और अपन ने देखा इनपुट बराबर आ गया तो ये कैसा फलन है एक एक ही फलन है ठीक है। अब अपन इसको अच्छा तक प्रूव करते हैं तो कैसे करेंगे देखो, यहां से मैं कोई एक एलिमेंट लेता हूं ठीक है, लेट कर लो सी है वो, जी के लिए बात करता हूँ सी बिलोंग्स टू सी
ये मैंने एक एलिमेंट लिया, तो इस सी के लिए क्यों जी भी क्या है, अच्छा तक है या नहीं, तो इस सी के लिए प्रत्येक इसका पूर्व प्रतिबिंब बी में मौजूद होगा या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जी कैसा है, अच्छा तक फलन है, ऑलरेडी अपने को दे रखा है कि अगर एक एक और अच्छा तक है, इसका मतलब ये दोनों एक एक और अच्छा तक है तो ये ऐसा होगा, तो अपने को ऑलरेडी दे रखा है कि जी कैसा फलन है, अच्छा तक फलन है, इसका मतलब इसका जो आउटपुट है सी का जो एलिमेंट है, इसके जितने भी एलिमेंट है इनका पूर्व प्रतिबिंब बी में मौजूद है, इसका मतलब implies that वहां पे exist करेगा, मतलब अस्तित्व होगा किसका, इसका मतलब यहां पे मैं G में कोई भी input डालूं, B से कोई भी एक element ले लेता हूं, ठीक है, ये मैं B से element ले लिया, तो ये किसके बराबर होगा, C के, क्यों, क्योंकि इसका मतलब C के किसी भी element के लिए यहां पे इसका पूर्व प्रतिबिंब बी में होगा या नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जी बी बराबर सी आ गया। इसी टाइप से अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, कैसे, मैं यहां से बी से कोई भी एक एलिमेंट लेता हूं बी, तो इसके लिए भी कुछ यहां पे क्या एग्जिस्ट होगा, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज, और उसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, मतलब अस्तित्व में होगा, क्या होगा, ये भी क्या है, अच्छा तक फलन है, इसका मतलब एफ के प्रत्येक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब ए में होगा या नहीं होगा, इसका मतलब एफ में अगर मैं कोई भी एक ए इनपुट दे दे देता हूं तो वो मुझे बी मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, अगर इसके प्रत्येक आउट यांग सी के लिए प्रत्येक के लिए अगर मुझे ए में इसका पूर्व प्रतिबिंब मिल जाता है तो ये भी कैसा होगा, अच्छा तक होगा या नहीं होगा, तो मुझे क्या सिद्ध करना है, मैं लेट कर लो यहाँ पे एक सी से कोई भी एक एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, इस वाले फलन की बात करता हूँ, मैंने सी से, ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है, ठीक है, इसके लिए अगर मुझे इसमें एलिमेंट मिल जाता, पूर्व प्रतिबिंब मिल जाता है, तो मैं ये कहूँगा कि ये फलन क्या है, अच्छा तक है, तो यहाँ पे ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, देयर एग्जिस्ट, कि यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये देखो g ऑफ f, यहाँ से मैं a में ये इनपुट कहाँ से ले रहा है, a में, तो अगर इसे इस टाइप से मिल जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, c के किसी भी एलिमेंट के लिए इस वाले फंक्शन का कुछ न कुछ एलिमेंट मौजूद है या नहीं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या लिया आपने, इसको सॉल्व किया g ऑफ यहाँ से f ऑफ a, ठीक है, f ऑफ a, अपने को पता है जैसे ही f ऑफ a इनपुट देंगे तो क्या से f ऑफ a किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा नहीं होगा, तो यहाँ से ये किसके बराबर होगा, b के बराबर, तो ये क्या हो गया, g ऑफ b, और आपको पता है g ऑफ b, g में इनपुट b का देंगे तो आउटपुट में c मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, c, इसका मतलब ये वाला जो दे रखा है g ऑफ f a किसके बराबर मिल गया, c के बराबर मिल गया, इसका मतलब इसका इस वाले पूरे ये वाला एलिमेंट है किसके लिए, a के लिए, ये क्या स्मॉल c है, स्मॉल c का मतलब इस वाले सेट से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इस वाले सेट के लिए उसका पूर्व प्रतिबिंब इस वाले सेट में मौजूद है, a वाले सेट में, तो अपन ये कह सकते हैं कि ये कैसा फलन है, अच्छा तक फलन है, ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि ये वाला जो f और g एक एक के अच्छा तक फलन है, तो इसका g ऑफ f भी कैसा होगा, एक एक एवं अच्छा तक फलन होगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं अपन, प्रमेय नंबर 1.3। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं 1.3। थ्योरम क्या कह रही है, f फलन डिफाइन है a से b में, जहां पे f ऑफ i ए बराबर i ऑफ बी एफ बराबर एफ, जहां आई ए तथा आई बी क्या है, एक सेट ए तथा सेट बी में तस्मक फलन है, ठीक है, अर्थात अपने को ये प्रूव करना है कि कोई भी अपन तस्मक फलन लेते हैं उसके साथ किसी भी फलन को कंबाइन करते हैं या संयुक्त फलन पता करते हैं तो वो वही फलन प्राप्त होता है। लेट इसको प्रूव करते हैं, प्रमाण देखते हैं क्या ये सही ऐसे होता है नहीं होता है। चलिए देखते हैं, एफ अपने को दे रखा है जो कि डिफाइन है ए से बी में, f अपने a से b में डिफाइन है, और i a अपने को दे रखा है कि तस्मक फलन है, तो लेट कर लो i a डिफाइन होगा a से a में, क्योंकि अपने को पता है तस्मक फलन में क्या होता है, जैसा का जैसा इनपुट देते हैं वैसा का वैसा आउटपुट मिल जाता है, तो सबसे स्टार्टिंग में ये अपन डिफाइन करते हैं f ऑफ i a, इसको प्रूव करना अपने को f। चलिए अपन इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ
आई ए एक्स, इसको x के लिए प्रूव करते हैं, लेट करते हैं x बिलोंग्स टू a, यहाँ पे a से मैंने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया x, तो क्या हो गया f ऑफ i ए x, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा f ऑफ, यहाँ पे देखो i ऑफ x, जैसे ही ये क्या है तस्मक फलन है, इसमें जैसे ही इनपुट देता है वैसे ही आउटपुट मिलता है, मतलब जहाँ पे मैंने x इनपुट दिया x ही मिल गया, तो ये क्या हो गया f ऑफ x, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, इसको देखेंगे तो f ऑफ i a इज इक्वल टू f, मतलब तस्मक फलन के साथ अपन ने क्या किया था, इसको कंबाइन किया था तो अपने को क्या मिल गया f मिल गया। नेक्स्ट इसको प्रूव करते हैं, i ऑफ f i b ऑफ f इज इक्वल टू f, तो चलिए लेट कर लेते हैं i b, b से b में डिफाइन फंक्शन है ठीक है, और f अपने को दे रखा है a से b में डिफाइन फंक्शन है, मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ x बिलोंग्स टू a इसके इनपुट से तो अपने को पता, और y बिलोंग्स टू b, तो यहाँ से जैसे x इनपुट डालूंगा तो b मिलेगा, इसका मतलब y इज इक्वल टू f में क्या इनपुट डाल दिया x, इसको सॉल्व करते हैं तो आई बी ऑफ एफ एक्स, इसको कैसे बोलेंगे तो x के लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा आई बी ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ से आई बी ऑफ एफ एक्स किसके बराबर है y के बराबर है ठीक है, तो ये हो गया y, तो ये क्या हो गया आई बी ऑफ y, और अपने को पता है ये क्या है एक तस्मक फलन है, जैसा इनपुट देते हैं वैसा का वैसा आउटपुट मिल जाएगा, और y वापस किसके बराबर है एफ एक्स के, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं एफ एक्स, तो ये क्या हो गया आई बी ऑफ f, ये हो गया इसके बराबर, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं i ऑफ आई बी ऑफ f आई बी ऑफ f इज इक्वल टू f, ये इसका प्रूफ हो गया। यहाँ से अपन देखो इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, यहाँ से जैसे कि ये कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, इसको ये भी देख सकते हैं f ऑफ i है, f ऑफ i देखेंगे f से इनपुट लेगा और i में जो आउटपुट इसको देगा, तो इनपुट कहाँ से लेगा यहाँ से a से इनपुट लेगा, और डिफाइन वापस आउटपुट कौन देगा f, तो यहाँ से a से आउटपुट लेगा और b को आउटपुट देगा, तो ये कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा a से b में, अगर इसको अपन डिफाइन करेंगे तो ये कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा a से b में ठीक है। इसी टाइप से इसको देखेंगे आई ऑफ ओ बी, ये कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा एफ से इनपुट लेगा, एफ कहाँ से अपने ए से बी में, तो इसका मतलब एफ से इनपुट लेगा और बी का आउटपुट देगा, तो बी का आउटपुट क्या है बी, तो ये भी कहाँ से डिफाइन होगा ए से